ठीक है डिफरेंट ड्रग्स जो आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली पेरीडॉन रिस पेरीडॉन भाई इसकी जोबारा सर डिस्कशन पे नहीं जा रहे फ़िलहाल एक बात याद रखो जी जब मैं बात करूँ आपके सेकेंड जनरेशन यानी कि ए टिपिकल ड्रग्स की तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि प्रोलोंग कर देती हैं क्यू टी या फिर क्यू टी सी इंटरवल को अच्छा जब भी क्यू टी इंटरवल या फिर क्यू टी सी इंटरवल प्रोलोंग होगा बढ़ जाएगा इससे क्या होगा दिस इज़ एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ रिदमिया अच्छा जब भी क्यूटी इंटरवल बढ़ जाए यू मस्ट नो अच्छा देर आर चांसेस ऑफ रिदमिया के पेशेंट को रिदमिया हो जाएगा अब जी पहले भी मैंने आपको बताया था क्यूटी इंटरवल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था जी क्यूटी इंटरवल कौन सा इंटरवल है फ्रॉम क्यू टू टी ठीक है दिस इज़ द क्यू टी इंटरवल अच्छा ये इंटरवल अगर लंबा हो गया तो पेशेंट को चांसेस हैं किसके रिदमिया के बच्चों ये बेसिकली क्यू टी क्या है टोटल टाइम टाइम है कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दी क्यू आर एस टिल दी टी टी वेव तक ठीक है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से लेके टू एंड ऑफ क्यू टी वेव ठीक है कहाँ से शुरू किया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से शुरू किया टिल द एंड ऑफ द टी वेव ठीक है दिस इज़ एक्चुअली द क्यू टी इंटरवल ईसीजी की बात करें तो ईसीजी का इंटरवल हुआ सो so, कैसे हमने इसको राइट डाउन किया टोटल टाइम फ्रेम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टू एंड ऑफ टी वेव ऑन ई सी जी और अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा दिस इज़ इंडिकेशन ऑफ एरिदमिया तौर पर कौन सा एरिदमिया वेंट्रिकुलर एरिदमिया जिसको हम टोर सेड्स पॉइंटस कहते हैं जो कि एरिदमियाँ है जो कहाँ से ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द लोअर चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट लोअर चैम्बर्स आपके हार्ट के कौन से हैं डेफिनेट से बात है ना कि वेंट्रिकल है अच्छा अब जब आपने कैडजन की बुक बुक खोली कैडजन की बुक में आपको मिला कि जी आपके ये जो ए एजेंट्स हैं या फिर सेकेंड जनरेशन है क्यूटी इंटरवल को या फिर क्यूटीसी इंटरवल को बढ़ा देते हैं नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यूटी और क्यूटीसी इंटरवल भाई क्यूटी इंटरवल हमने डिस्कस कर दिया ईसीजी का एक पीरियड है ठीक है तो भाई अब ये क्यूटीसी क्या है अब ये मोर एक्ट वैल्यू है दिस इज मोर करेक्टेड क्यू इंटरवल जो कि हम फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बेजर्स कहते हैं अब फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जा रहे ठीक है फिजियोलॉजी के ऊपर नहीं आ रहे अब ये बेसिकली जो आपको क्यू टी सीन टर्वेल है यहाँ पर एक बात याद रख रखो कि यह आपको ज़्यादा एक्यूरेट असेसमेंट देती है आपके हार्ट से रिलेटेड ज़्यादा एक्यूरेटली आपको बता सकती है कि आइदर योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अरिदमिया और नॉट ओके अब क्विटा की बात करें क्विटा की जी अगर तो आप इस ड्रग को लो डोज के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो दिस लो डोज विल रिजल्ट इन द ऑनसेट ऑफ द स्लीप यह स्लीप कॉज करवा देगी स्लीप को प्रोमोट करवाती है ठीक है अच्छा ऐस इसकी कोई आपके पास अप्रूव्ड इंडिकेशन नहीं है कि आप कहें अच्छा ये ड्रग है अगर ये स्लीप को ऑनसेट करवाती है स्लीप कॉज करवाती है स्लीप को मेंटेन करती है तो मैं इस ड्रग को इस्तेमाल करूँ नहीं ऐसी आपके पास किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है बहरहाल जी हम इसको एडवर्स इफेक्ट में कंसिडर कर देते हैं कि जिसने क्या करवा दी स्लीप कॉज करवा दी अच्छा एक बात याद रखना आपके पास क्विटा मीन के डेफ़िनेटली ऐसी ड्रग है जो कि आप मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हो इसके डिफरेंट ब्रांड्स आपको मिलेंगे मार्केट में सिरोवेल एक इसका ब्रांड है ठीक है अच्छा अगर मैं बात करूँ पेली पेरीडोन की और रिस्पेरीडोन की ठीक है अब ये मेरे पास दो ऐसी ड्रग हैं पहली पेरीडोन और रिस पेरीडोन जो कि प्रोलेक्टिन के लेवल को बढ़ा देती हैं ठीक है कमिंग टूवर्ड्स क्लोजापीन अच्छा क्लोजापीन जो है भाई आपके पास एक प्रोटोटाइप ड्रग है सेकेंड जनरेशन की ड्रग है ए टिपिकल एजेंट है ये वो ड्रग है जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 10 टू 25 पेशेंट्स में इस्तेमाल करेंगे 10 टू 20 परसेंट पेशेंट्स में इस्तेमाल करेंगे उन पेशेंट में इस्तेमाल करेंगे जो कि किसी और एंटीसाइकोटिक ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जो कि किसी भी फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के एंटीसाइकोटिक ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं रहे उनमें सिर्फ और सिर्फ अब हमने इस्तेमाल करनी है क्लोज भी ऐसे पेशेंट जो किसी और ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करे किसी भी फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करे ऐसे पेशेंट को हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स सो क्लोजअप अप इनकी मेरी पास इंडिकेशन आ दिस इज़ अ ड्रग दैट इज़ यूज इन द रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं से भी साइकोसिस के पेशेंट्स हैं अच्छा सो दिस इज़ लिमिटेड टू द रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स क्यों भी हमने स्ट्रक को क्यों लिमिटेड कर दिया भई हमने स्ट्रक को लिमिटेड इसलिए कर दिया कि भी इस से एसोसिएटेड आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा हैं एडवर्स इफेक्ट्स कौन से है। है? बोन मेरिज सप्रेशन जरा बोन मैरो सप्रेशन होगी तो इट कैन रिजल्ट इन स्वेयर ए एग्रैन्युलोसाइटोसिस होगी यानी कि डब्ल्यू बी सीज का काउंट जो है वो कम हो जाएगा सीजर के चांसेस हैं अच्छा इसके अलावा कार्डियो साइड इफेक्ट्स आएंगे कौन से कार्डियो साइड इफेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल दिस इज ऑर्थोस्टेसिस या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कह लो अच्छा अब जी ये ऐसी ड्रग है जिसे आपने एकदम से एबरप्टली नहीं छोड़ना हमेशा डोज टेपरिंग करनी है डोज को लोअर डाउन करना है फिर कहीं जाके भी आप ड्रग को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अदरवाइज़ इससे रिलैप्स के चांसेस हैं अच्छा अगर आपने डिसकंटिन्यू कर लिया तो भई दिस विल रिजल्ट इन ए डी आर और वो ए डी आर कौन सा अगर आपने मैं ये ए डी आर तब बता रही हूँ अगर आपने इस ड्रग को एब्रप्टली एकदम से छोड़ दिया ए डी आर कौन से होंगे भाई ऐसे ए डी आरस हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं जो आपको मेडिकल एमरजेंसी की तरफ ले जाएंगे वो मेडिकल एमरजेंसी कौन सी है बच्चों दिस विल रिजल्ट इन मायोकार्डाइटिस एंड ए ग्रैनुलोसाइटोसिस अच्छा एक वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखना एंटीसाइकोटिक्स का कि जी आपके पास ये एजेंट्स हैं ये ऑल्टर कर देंगे चेंज कर देंगे किसको ई ई जी को बट इस ई जी एंड सेफेलोग्राफिक फ्रिक्वेंसिस को चेंज कर देंगे अच्छा ये सारी वो डिस्कशन है जो फिजियोलॉजी की डिस्कशन थी अब ये क्या करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर देंगे क्या कर देंगे हो सकता है जी इसको स्लो डाउन कर दें इसके सिंक्रोनाइजेशन को एनहेंस कर दें इसको हाइपर सिंक्रोनाइज़ कर दें ठीक है अब इसमें जो मेजर एक चीज़ याद रखना कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या करेंगी जी आपके सीएनएस के न्यूरो के लेवल को जी चेंज कर देंगी हो सकते हैं तरीके तरीक़ेकार से चेंज कर दें कि जिससे पेशेंट को सीजर्स आ जाएं ठीक है अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं क्लोज़ापीन की क्लोज़ापीन इज़ एसोसिएटेड विद सीजर ये सीजर किस आर लिंक्ड टू दी डोज डोज बढ़ाई सीअर के चांसेस ज़्यादा हो गए ठीक है अब जी मैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को मैयर कैसे करती हूँ मेरे पास जी डिफरेंट टेक्निक्स हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक टेक्निक्स हैं जिससे मैं जी इन फ्रीक्वेंसीज़ को एम्पलीट्यूड्स को देख सकती हूँ आप जस्ट इसके ऊपर एक जनरल एक चीज़ याद रखो मेरे जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग हैं या कुछ न्यूरोप्ट एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं वो लो डाउन कर देते हैं सीयर थे थ्रेश होल्ड को जब देखो थ्रेश होल्ड यहाँ था यहाँ से नीचे आ गया जब नीचे आ गया तो इसने क्या करना है कि इस नाउ देर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ द सीयर्स सो ई ई जी पैटर्न पैटर्न ऐसे हो जाते हैं आपके एंटीसाइकोटिक्स के इस्तेमाल से ख़ास पर जिससे सीवियर्स आ जाते हैं ठीक है थीके? तो अगर आप डोज अ टाइट्रेशन करें डोज यानी कि आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी कि जी पेशेंट के अंदर एपिलेप्सी एक पेशेंट के अंदर सीयर के चांसेस ना हो खास तौर पे ये डोज अ टाइट्रेशन हम करते किन में है एपिलेप्टिक पेशेंट्स के अंदर जो जिनको एपिलेप्सी जिनको मिर्गी हो ठीक है तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एकटियापिन आपके पास एक ड्रग है दैट इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द स्लीप ये स्लीप कॉस्ट करवा देती है मैंने आपको फिर कहा जी ये वो ड्रग है जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है हैीरोल आपका ब्रांड है और डिफरेंट ब्रांड्स हैं इसके जी जो अवेलेबल हैं अब ये क्या करेगी दिस ड्रग इज़ एसोसिएटेड विद द लो रिस्क ऑफ लोअरिंग द दीयर थ्रेसर ये थ्रेस शोल्डर को नीचे नहीं लेकर आती इट्स का मतलब ये हो सकता है सीजर्स ना करवाए तो ऐसे ड्रग्स को हम किन पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे उन पेशेंट के अंदर जो कि के, के पेशेंट हैं जिनके अंदर सीजर्स जिनको दौरे पड़ते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट के अंदर या शीज़ोफरिनिया के अंदर जो कि जो एंटीसाइकोटिक है तो उस शीज़ोफरिनिया के अंदर तो इस्तेमाल होगी ठीक है तो अच्छा यहाँ इस पूरे चैप्टर में मुझे एक चीज़ याद रखना कि मैंने बात की हेलो पेरीडोल की हेलो पेरीडोल मेरे पास एक ऐसी ड्रग थी जो मैंने कहा कि एक्सट्रा पिनमेडल सिम्टम्स करवा रही है इसके बावजूद आप इसे इस्तेमाल करें क्यों क्योंकि ये ड्रग क्यू टी सी इंटरवल को नहीं प्रो, प्रोलोंग करती नहीं बढ़ाती अब मैंने बात कर ली क्विटा की भी ये ऐसी ड्रग है जो कि मैंने कौन से इसकी इंडिकेशन है मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन से पेशेंट्स में इस्तेमाल करनी है इसकी इंडिकेशन है यू विल यूज़ इन द देशेंट हुर सफरिंग फ्राम द सीजर्स हु आर सफरिंग फ्राम दाई बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्यों अच्छा वाई इन द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्राम द सीजर्स या एपिलेप्सी के पेशेंट में क्यों इस्तेमाल करेंगे क्यों रीज़न है बिकॉज दिस इज़ एसोसिएटेड विद द लो रिस्क ऑफ लोअरिंग दीयर थ्रेश होल्ड जरा सीयर थ्रेश होल्ड को नीचे नहीं लेकर आ रही थ्री सीअर थ्रेश होल्ड ऊपर का ऊपर ही है तो ज़ाहरी सी बातें नहीं इससे सीयर के चांसेस कम होंगे तो भाई ये आपके पास इंडिकेशन आ गई क्यूटा पीन की